जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फौजी लाइव। तो आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ कि आप एसीसी एंट्री यानी कि आर्मी कैडेट कॉलेज के थ्रू कैसे आप आर्मी में सोल्जर से यानी कि जवान से ऑफिसर बन सकते हो, इस बारे में आज बात करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं एसीसी एंट्री यानी कि आर्मी कैडेट कॉलेज। तो इसमें एसीसी एंट्री कौन देख सकता है? जो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में सर्विंग सोल्जर है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग, एलिजिबिलिटी। इसके लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए? इसके लिए आपकी मिनिमम 2 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए यानी कि आपकी 2 साल सर्विस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग को लेकर आपकी 2 साल सर्विस होनी चाहिए। आपकी मेडिकल कैटेगरी SAFE 1 होनी चाहिए और आपको 1 साल के अंदर कोई रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं एडुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें आपको एसीसी में एंट्री में भर्ती देखने के लिए आपको 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं मैरिटल स्टेटस। आप इधर इसमें बोथ मैरिड एंड अनमैरिड पर्सन जो शादीशुदा है या फिर बिना शादीशुदा के हैं कोई भी इसमें भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज पे चलते हैं अभी। आपकी एज होनी चाहिए 20 से 27 साल यानी कि अभी चलते हैं हम लोग वैकेंसी की तरफ। कितनी वैकेंसी रहती है एसीसी एंट्री में? तो एसीसी एंट्री की वैकेंसी साल में 2 बार होती है। उसमें वैकेंसी हर एक कोर्स में 75 यानी कि 75 रहता है और साल में 2 बार इसकी भर्ती होती है। अभी चलते हैं हम अप्लाई प्रोसेस की तरफ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पोस्टेड हो वह जो कंसर्न क्लर्क होगा जो एसीसी एंट्री के लिए एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं आपको उनके साथ कांटेक्ट करना है। और बाकी जो काम है जैसे सैंक्शन लेना पड़ता है सीओ से कि आप जाओगे एसीसी भर्ती देखने के लिए कि नहीं, वो सीओ आपका सैंक्शन करेगा। इतना ही आपका काम है, आपको बस कंसर्न क्लर्क को बताना है कि मुझे एसीसी की एग्ज़ाम देनी है। इसके बाद हम चलते हैं एग्ज़ाम टाइम, कब कब ये एग्ज़ाम एसीसी की एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि एसीसी की एग्ज़ाम साल में 2 बार होती है, 1 बार फरवरी में होता है और अगस्त में होता है। और विद इन फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो जाता है फरवरी और अगस्त में। इसके बाद हम चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या कैसे क्वेश्चंस आता है, कितने नंबर्स होते हैं, कितना टाइम आपको मिलेगा। तो पहले आपका जो होगा वो इंग्लिश का होता है। इसमें आपका 150 क्वेश्चंस रहेगा और इसमें 300 मार्क्स, टाइम रहेगा आपका 3 घंटे। सेम टू सेम उसके बाद हम आते हैं जीके में, सेम उसी में भी आपका 150 क्वेश्चन में 300 मार्क्स और 3 घंटा टाइम आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं एकेडमिक कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट जिसको बोलते हैं ACT शॉर्ट में। इसमें भी वही आपका सेम है, 150 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स, 3 घंटे समय आपको मिलेगा, हर क्वेश्चन में 2-2 मार्क। और लास्ट जो वाला जो पेपर आता है यानी पेपर 4, वो होता है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसको शॉर्ट में GMAT कहा जाता है। इसमें भी आपका सेम है, 150 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स और 3 घंटा टाइम आपको मिल जाएगा। और सभी पार्ट में आपको पास करना है। आपको ACC रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है और मेरिट होती है चेन्नई में आपको फ्री कोचिंग दिया जाता है। आपको पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कैसे SSB होती है ना होती है इसके लिए आपको कोचिंग दिया जाता है डिटेल में, वो होता है OTA चेन्नई में। इसके बाद हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या है। पहले तो आपको ACC रिटर्न एग्जाम पास करना है। ACC रिटर्न एग्जाम जैसे पास कर लोगे आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा। 5 दिन की SSB होती है। अगर आप 5 दिन के SSB में पहले दिन आपका स्क्रीनिंग होता है, अगर आप स्क्रीनिंग पास कर लोगे तो आपको और 4 दिन रखा जाएगा और SSB की जो बाकी प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। और अगर पहले दिन SSB के जो पहला दिन और स्क्रीनिंग होता है, अगर स्क्रीनिंग में आप फेल कर देते हो तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा उधर से। अगर SSB पास करने के बाद आपका फाइनल जो बच जाता है वो है मेडिकल। अगर आप मेडिकल भी पास कर जाते हो, मेडिकल अगर आप फिट हो तो फिर आप ACC के लिए एलिजिबल हो। अभी मैं बताना चाहूँगा SSB सेंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये सेंटर कहाँ कहाँ पे है। तो एक पहला सेंटर है भोपाल, SSB भोपाल, SSB इलाहाबाद, SSB बेंगलुरु, ये 3 जगह पे आपका SSB सेंटर है। इसके बाद हम चलते हैं जब आप भर्ती हो जाओगे आपकी SSC की ट्रेनिंग कहाँ पे चलेगी। मैं तो पहले बताना चाहता हूँ कि SSC की ट्रेनिंग जो होता है वो 4 साल का होता है, मतलब जो NDA में भर्ती होते उनकी तरह ही 4 साल का ट्रेनिंग होता है। लेकिन आपका जो ट्रेनिंग है वो 2 हिस्से में बांटा गया है। एक तो आपका जो पहला 3 साल का ट्रेनिंग होगा वो ACC विंग जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है उसी में एक ACC विंग है, उधर आपको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको JNU से ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाएगी साथ ही साथ। उसके बाद जो लास्ट 1 ईयर का ट्रेनिंग बचा रहेगा वो आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA में होगा।
उसके बाद जब आप ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने के बाद 4 साल ट्रेनिंग कर लोगे, उसके बाद को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय हिंद।